Hey everyone, welcome back to a brand new vlog. I hope you guys are doing well. Okay, so guys, अभी ना बन रहा है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर ऑमलेट बन रहा है, साथ पराठे बन चुके हैं बल वाले, बहुत ही मज़े के. और ऑमलेट ना मेरा टारगेट है, अभी इसको ख़त्म हो गया टारगेट, टूट गया ऑमलेट. वैसे हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी मैं कोई इस तरह की चीज़ बनाती हूँ, मेरी कोशिश होती है वो ना टूटे, वो टूट जाता है. उस दिन भी ऑमलेट टूट गया था. कभी ज़िंदगी में मेरे से ना कोई प्रॉपर चीज़ नहीं बनी इस तरह से ऑमलेट चॉमलेट. हाँ, अंडा बना लेती हूँ मैं, और अभी जो है ना इसको बनाते हैं और बहुत मज़े का क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं. इसको बनाते हैं फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट मेरी पसंद का बना है. मुझे बल वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एंड आज मेरे मतलब का ब्रेकफास्ट बना है. साथ है मटन, और ये हम लोगों ने रात को बनाया था कल, और बहुत मज़े का बना था. हम सब का पेट ऑलमोस्ट फुल था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ना खाना खाया था प्रॉपर, बिकॉज बहुत टेस्टी बना था. तो अभी बस मेरा अंडा जो है ना बन चुका है, इसको डिश आउट करते हैं, फिर बाहर चल के ब्रेकफास्ट करते हैं, सबको बुला लेते हैं. चाय शाय मैंने डाल दी है, सब कुछ जो है ना टेबल पर आ चुका है. अंडा पारी आती है खाना खाने की, मटन भी आ गया, ऑमलेट भी आ गया, पराठे भी आ गए बल वाले, साथ साथ चाय आ गई है, और जिनको अचार चाहिए तो अचार भी आ गया. तो अभी बस फटाफट से डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद आज के ना काम शाम देखते हैं कि आज की कैसी रूटीन जाती है, बिजी रूटीन जाती है या फिर मतलब बोरिंग होती है. सो गाइज, अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ना यहाँ पर निकाल रही हूँ अपने प्रिंट, बिकॉज डेट आ चुकी है बहुत करीब रिपोर्ट की सबमिशन की. सो रिपोर्ट जो थी ना मैंने एडिट कर ली थी, थोड़ी बहुत शायद गलतियाँ होंगी अभी भी. और मैंने यूनिवर्सिटी जाना था, लेकिन ना फिर मैं गई नहीं थी, बिकॉज मैंने जिसके साथ जाना था अपनी फ्रेंड के साथ, वो ना उसकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं इसलिए गई नहीं थी. और अभी जो है ना मैंने मैम को मेल कर दी थी, और मैम ने मुझे जो एक दो गलतियाँ बताई थी वो मैंने सेट करने की कोशिश तो की है. उसके बाद मैंने प्रिंट निकाल लिया था घर में. थर्सडे को मैंने जाना है मैम को सबमिट कराने, एंड अभी वेदर बहुत मज़े का हुआ हुआ था, बारिश हो रही थी. तो हम लोग यहाँ पर पकोड़े बना रहे हैं, और पकोड़ों की भी रेसिपी आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरह के बनाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं. सो अभी ना ये सीन है कि फ्राइज़ जो है ना हम लोगों ने कट कर ली थी, और ये हमारे पास मशीन पड़ी हुई है बहुत मज़े की, बस उसके अंदर ना हम लोगों ने पोटैटोज़ रखने होते हैं, और उसको बस ऊपर से एक बार हिट करना होता है, और सारी फ्राइज़ आपकी बन जाती हैं, बहुत ईजी हो जाता है इस तरह. तो हम लोगों ने इतने सारे जो है ना पोटैटो छीलना, जो पहले इतना मुश्किल हो जाता था, अब बहुत ईजी हो जाता है इस मशीन के थ्रू. सो हम लोगों ने ये कर लिया. उसके बाद हम लोगों ने इसमें डाला है सूखा धनिया, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे नमक थोड़ा सा, एंड अब इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है. और मिक्स करने के बाद हम लोगों ने इसमें डालना है बेसन, एंड बेसन की क्वांटिटी हम लोग कम रखेंगे, बिकॉज़ ज़्यादा बेसन अच्छा नहीं लगता. सो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, बहुत थोड़ी सी, जस्ट फॉर अरोमा, ज़्यादा नहीं डाली, बहुत कम डालनी अगर आप भी डालें तो. सो अभी इसको हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है. साथ हम लोगों ने इसमें रेड पेपर डाली थी, और मैं पहले डाल चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से थोड़ी सी डाल दूँगी इसमें और ऐड कर दूँगी. सो बैटर तो रेडी हो चुका है, एंड हमारा प्लान है कि ना ऊपर वेदर बहुत अच्छा हुआ है, तो ऊपर जाकर कुकिंग करने का छत पर. सो बैटर हम लोग नीचे से रेडी करके जा रहे हैं, ताकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ हम लोगों को ना ऊपर लेकर जाना और नीचे लेकर आना काफ़ी टफ हो जाता है. तो सारा काम हम लोग मोस्टली नीचे से ही करेंगे, बस ऊपर जाके इसको फ्राई करेंगे, तो ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, और टाइम भी ना कम लगे और मेहनत भी कम लगे. बिकॉज़ थर्ड पोर्शन पे जाना ना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिर थक जाता है इंसान. सो बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. इसमें अब हमने ना एंड पर थोड़ी सी अनियन ऐड करनी है, अनियन ऐड कर ली है. अब ना हम लोगों ने क्या करना है, आप लोग देख सकते हो कि बेसन हम लोगों ने कम रखा है, ज़्यादा रखने से ना वो इतने अच्छे नहीं बनते. थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें वन ड्रॉप जो है ना वाटर डालना है, और इसको अच्छे से ना हम लोगों ने मिक्स कर लेना. सो गाइस, अभी हम लोग ना बैटर बना रहे थे, एंड नाना बू भी आ गए थे, तो अब अच्छा होगा कि ना छत पर दिल भी लग जाएगा. नाना बू ऊपर छत पर जा चुके हैं, भाई जो है नाना बू के साथ बातें शातें कर रहे हैं, और नाना बू मुझे अभी बता रहे थे कि मेरे पौधे कहाँ गए, और मैंने उनको बताया कि सारे प्लांट जो थे ना वो ड्राई हो गए थे और ख़राब हो गए थे. तो अभी नाना बू मुझे कह रहे थे कि वो मुझे ना फर्टाइल सोइल देंगे, और फिर मैं उसमें प्लांटिंग करूँ, तो अच्छे से मुझे दोबारा से मेरे प्लांट जो है ना ग्रो कर जाएंगे. तो अभी नाना बू ना मुझे कुछ टाइम तक फर्टाइल सोइल देंगे, तो उसमें मैं ना प्लांटिंग करूँगी, और फिर जो है ना इस बार मैं उनकी टेक केयर करूँगी अच्छे से, ताकि मेरे प्लांट्स ना इस बार ख़राब ना हो. मैंने यहाँ पर पानी रख लिया है, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ. मम्मा इसको ऐसे बना रही हूँ जैसे आटा गूंथते ना, बिल्कुल इस तरह से, ताकि वो अच्छे से मैश हो जाएँ, और
फटाफट से काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर चलते हैं, नाना बू भी ऊपर हैं, तो वहाँ जाके ना बातचीतें करते हैं, साथ साथ पकौड़े बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि मौसम तो अच्छा हुआ हुआ है लेकिन साथ साथ लाइट भी गई हुई है, तो पहले हमारा प्लान था कि नीचे बैठ जाते हैं एसी वगैरह में, लेकिन अभी लाइट गई हुई है तो और ज़्यादा प्लान बन रहा है कि ऊपर छत पर ही करते हैं सारा सेटअप, बिकॉज काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ है ठंडा ठंडा बारिश के बाद, तो इस मौसम में पकौड़े इन्जॉय करना एक नेक्स्ट लेवल ना, मज़ा आता है इसमें। तो अभी ना भाई को भेजा हुआ है मामा ने नान लेने, तो पकौड़ों के साथ तो नान अच्छा लगता है, नान पकौड़े साथ रायता, तो रायते का भी सामान वो लेकर आ रहे हैं, साथ नान शान लेकर आ रहे हैं, तो सारा सामान आता है फिर सारा कुछ ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब तक बैटर ना यहाँ रेडी हो जाएगा पकौड़ों का, साथ हम लोगों ने जो सालन वगैरह बनाए थे कीमा प्लस शिमला मिर्च वो भी गर्म करें हम लोग, वो भी जो है ना गर्म हो जाती है उसको भी बाउल में डालकर वो सारी चीज़ें ना एक साथ ही ऊपर लेकर चलते हैं ताकि चक्कर जो है ना वो बच जाए ऊपर नीचे के। सो एज़ यू गाइज कैन सी बैटर हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल, और काफ़ी मज़े का इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है, एंड यहाँ पर हमारा जो है ना कीमा भी गर्म हो चुका है, उसको भी हम लोगों ने बाउल में डाल लिया है, और साथ साथ हमारी शिमला मिर्च भी ना गर्म हो चुकी है, इसको भी हम लोगों ने डाल दिया है। सो पानी शानी भी ले लिया, सारा कुछ जो है ना सेट हो चुका है, मैं एक एक करके ना सारी चीज़ें ऊपर लेकर जाना शुरू करती हूँ, साथ प्लेट्स वगैरह भी हम लोगों ने निकाल ली हैं, और अब सारा सेटअप हो चुका है, ऊपर जो है ना जाके इन सारी चीज़ों को रखते हैं और फिर ऊपर जाके पकौड़े फ्राई करते हैं। सो लेट्स गो। एंड प्लेट्स मैंने आई गेस काफ़ी ज़्यादा पकड़ ली हैं, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एक हाथ से फ़ोन पकड़ना और एक हाथ से प्लेट्स, तो अभी मैंने वो रख दी थी ताकि कोई डिज़ास्टर ना हो। और अभी मैं ऊपर आ चुकी हूँ, मामा यहाँ पर बना रही हैं पकोड़े, और ऊपर हमारे पास एक स्टोव पड़ा हुआ था, चूल्हा पड़ा हुआ था, तो अभी हम लोगों ने सारा कनेक्शन वगैरह करके ना ऊपर बना रहे हैं पकोड़े, क्योंकि लकड़ियों पर बनाना बहुत मुश्किल होता है और हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उस पर काम करने का, और इंगीठी भी पड़ी हुई थी हमारे पास, लेकिन स्टोव जब है तो हम लोग इस पर करेंगे, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर पकौड़े शकोड़े जो है ना वो बन रहे हैं, और साथ साथ ना अभी काफ़ी हम लोग मौसम इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ कुछ चीज़ें रह गई थी वो भी नीचे से भी मैं लेकर आऊँगी। सो ये है जी पकौड़ों की फ़र्स्ट टर्न, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था LCWU में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं अंडर ग्रेजुएट के, तो आप लोग जाओ LCWU की ऑफिशियल साइट में, वहाँ पर एडमिशन्स पर जाओ, वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जाओ, वहाँ पर फॉर्म फिल करो और अपना नंबर अपनी ईमेल आईडी साथ CNIC नंबर जो है ना वो एंटर करो और साथ में फॉर्म फिल करो और चालान निकलवाओ। चालान जो है ना उसकी फ़ी है 1000 रुपीज़, और उसके बाद उसको बैंक में जमा कराओ, और बाकी आपको जो है ना सारा प्रोसीजर जो है ऑनलाइन पता चल जाएगा, वहाँ पर ऑप्शन भी आ रही होती है हाउ टू अप्लाई, वहाँ जाके भी आप लोग देख सकते हो, फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो यू गाइस कैन कमेंट मी, देन मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगी कि हाउ टू अप्लाई ऑन BS अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ पर अभी टेबल भी आ चुकी है और हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट है ना पकौड़ों की वो रेडी हो चुकी है, बस डिश आउट हो रही है, और अभी ना सारा खाना शाना रखते हैं टेबल पर, खाना शुरू करते हैं बिकॉज रात हो चुकी है, मुझे भूख लग रही है, और मैंने आई गेस सुबह का नाश्ता किया हुआ है, हाँ सुबह का नाश्ता किया हुआ है, अब बहुत ज़ोर की भूख लग रही है, अब खाना शाना खाते हैं, और इतने मज़े के पकौड़े बने हैं कि मुंह में पानी आ रहा है इनको देखकर, बिकॉज़ मौसम भी इतना अच्छा है, पकौड़ों वाला मौसम है, तो पकौड़े इन्जॉय करते हैं, साथ नान है प्लस रायता है, और ये मेरा फेवरेट खाना है, मेरी मामा का भी फेवरेट खाना है और मेरा भी फेवरेट खाना है, साथ है मज़ेदार कीमा और यहाँ पर है मज़ेदार सी शिमला मिर्च। तो अभी बस खाना खाते हैं, एंड अभी मामू की भी कॉल आई है, वो गए हुए थे ग्रोसरी करने, साथ हम लोगों ने भी कुछ सामान मंगवा लिया था उनसे, तो अभी ना वो भी आने वाले हैं, तो वो आते ना तो सब बैठते हैं बातें शातें करते हैं, एंजॉय करते हैं, वेदर एंजॉय करते हैं, और सारी ना फैमिली गैदरिंग जो है ना वो एंजॉय करते हैं। सो अभी एक बारी जो है ना पकौड़ों की वो हम लोग खा चुके हैं, एंड अभी ये है सेकेंड टर्न, और बहुत मज़े के लग रहे थे, मैंने तो ना फुल पेट भर के खाना शाना खा लिया, अब थोड़ी सी मैं वॉक शो करूँगी, और इसके बाद ना हम लोगों का प्लान है कुछ और भी, मतलब कबाब शबाब का, तो अभी वो भी खाते हैं और उसमें जो है ना मैं भी हेल्प कराऊँगी। अभी मामा जो है ना ये पकौड़ों की जो है एक बार सारी सीरीज़ इसको ख़त्म कर दें, उसके बाद कबाब की बारी आएगी। तो पर गैस भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बिल्कुल ना गांव वाली वाइब आ रही है, जैसे वो लोग ज़मीन पे बैठते हैं चूल्हों पे खाने पकाते थे, काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने ये काम किया है, बल्कि काफ़ी टाइम बाद नहीं, हम लोग ऐसा करते नहीं है, बहुत न्यू एक्सपीरियंस और मज़ा आ रहा है इस तरह से ना। खाने शाने बने हुए थे लेकिन वेदर को देखकर हम लोगों ने ये सारा सेटअप किया है, तो यहाँ पर आ चुके हैं पकौड़े, और आप लोग देख सकते हो कितने क्रिस्पी और मज़े के लग रहे हैं। तो यहाँ पर ना भाई अभी कीमे का
कबाब का जो है ना सारा सेटअप करके आ चुके हैं। सारा कबाब का मसाला जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये पकोड़े फ्री होते हैं ना, ये लास्ट टर्न है, तो उसके बाद कबाब का सारा जो है वो सेटअप लगाते हैं और कबाब बनाते हैं। सो भी मैंने मामू को कॉल भी की थी और उनसे पूछा था कि वो कब तक आ रहे हैं ताकि हम लोग कबाब पार्टी ना उनके साथ ही स्टार्ट करें। तो मामू अभी बल्कि मेरी ही वीडियोस देख रहे थे, अभी उन्होंने मुझे कॉल पर बताया और वो मुझे कह रहे थे कि मैं कल आ जाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, रात हो चुकी है। लेकिन फिर मैंने उनको इंसिस्ट किया कि वेदर तो आज अच्छा है, आज बहुत मज़ा आ रहा है छत पर बैठने का, बिकॉज़ रूम में एसी में तो हम लोग बैठते रहते हैं और लेकिन छत पर बैठना इज़ अ सेपरेट वाइब और अच्छी वाइब है। तो अभी हम मैंने उनको कहा है कि आप आ जाएं, बिकॉज़ वो भी लेट सोते हैं और हम भी लेट सोते हैं। एंड मामू अभी ना घूम फिर कर भी आए हैं सवाद से, तो अभी उनसे ना उसका भी सारा एक्सपीरियंस पूछने भी, तो मामू पास ही थे, थोड़ी देर तक मामू आ जाएंगे, उसके बाद कबाब पार्टी ना उनके साथ स्टार्ट करेंगे। हैव यू डन शेनू? डन। ओके लेट मी ऑफ द लाइट, लेट्स गो। Where? Where you want to go? Wait, baby. Okay. Come. What? Monster? Where's monster? Where's monster? Where's monster? Who is that monster? Let's go. What? किसको? So guys, अभी मामू वगैरह आ चुके थे एंड यहाँ पर अभी हम लोगों ने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। कबाब जो है ना भाई और भाभी जो है ना मिलकर बना रहे हैं और बड़े मज़े के कबाब बन रहे हैं। मसाला जो था इसका नीचे से बना कर आए थे, बस ऊपर ना थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों ने डाली थी इसमें और अभी जो है ना इसको हम बना रहे हैं। और इनकी ट्रिक भी है बनाने की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बना रहे हैं, क्योंकि हाथ से इनसे बन नहीं रहे थे। और हमारा जो गोश्त था ना इस बार कुर्बानी का वो इतना साफ़ था, बिकॉज़ हमारा जो वेरा था गाय थी वो आप लोगों ने देखा होगा कि इतना बड़ा नहीं था, तो उसमें बिल्कुल भी चर्बी नहीं थी, बिल्कुल भी उसमें फ़ैट नहीं था। तो इस बार ना कबाब के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैट उसके बगैर ना कबाब टूट जाते हैं, तो इसका भी यही सीन था इसके साथ भी, तो इसलिए टूटे ना। तो हम लोगों ने एक ट्रिक यूज़ की थी कि हम लोगों ने एक प्लेट ली थी, उसके ऊपर कबाब का ना हम लोगों ने सारा मटेरियल रखा था, उसको हाथ की मदद से पुश किया था और फिर आराम से उठा के उसको हम लोग तवे पर रख रहे थे, इस तरह से वो टूट नहीं रहे थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहा था हमारा एक्सपीरियंस और बहुत मज़े के कबाब बने थे। साथ साथ ना मैं इनको शूट कर रही हूँ, साथ वीडियो एडिट कर रही हूँ, वीडियो अपलोड कर रही थी यहाँ पर और कुछ काम शाम कर रही थी मैं यहाँ बैठकर, और साथ साथ इनको शूट कर रही थी और प्लेट्स वगैरह दे रही थी इनको कबाब जो है ना डिश आउट करने के लिए। सारे काम शाम से फ्री होके फिर मामू से ना कहते हैं कि सवाद की पिक्चर्स दिखाओ, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिकॉज़ मामू ने बहुत मज़े मज़े के ना वहाँ के क्लिप्स लिए हैं एंड बहुत ही खूबसूरत सीन्स हैं। इसके अलावा मामू ना बहुत फिरते हैं, तो अभी जो है ना मामू इस्लामाबाद भी गए थे कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पर डायनो पार्क के भी ना मामू ने सारे लिए हैं शूट्स, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू गाइस वांट। तो कबाब अभी हमारे ना रेडी हो रहे हैं, एक साथ सारे कबाब ना सर्व आउट करेंगे, बिकॉज अभी हम लोगों ने इसमें देनी है कोयले की धुनी और उससे ना इसका प्योर कबाब वाला फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े का एरोमा आएगा। तो पहले एक बार हम लोग सारे कबाब बना लें और उसके बाद जो है ना हम लोग इसको धुनी देंगे। मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पर ना इन लोगों को डिशेज़ वगैरह प्रोवाइड करूँ, जिसमें इन्होंने कबाब जो है ना डिश आउट करने हैं, साथ साथ अपना काम शाम कर रही हूँ, बच्चों के साथ खेल रही हूँ। और नाना बू तो वापस ना जाने लगे हैं क्योंकि थोड़ा सा ना नाना बू को काम आ गया था, तो नाना बू भी वापस जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज़ हम लोग वापस आते गए थे, नाना बू ना काफ़ी ज़्यादा स्टोरियाँ सुना रहे थे और अच्छा दिल लगा रहा था, लेकिन अभी काम आ गया तो नाना बू जाएंगे, तो जल्दी जल्दी से ना कबाब बना लेते हैं ताकि नाना बू को भी टेस्ट करा लें कि कैसे बने कबाब। एंड यहाँ पर आपको दोबारा से ना मैं दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कबाब की शेप कैसे बनाई थी। तो सबसे पहले आप लोगों ने बैटर लेना है कबाब का, और उसके बाद ना उसको हाथ से इस तरह से पुशअप करना है, उसको जो है ना जिस तरह से शामी कबाब बनाते हैं इस तरह हाथ की मदद से ना उसका आप लोगों ने बैटर बना लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने उसको प्लेट में रखना है, प्लेट में पुशअप करना है और उसको ना आप लोगों ने अच्छे से शेप दे देनी है प्लेट के साथ, आराम से उसको उतारना है और उसको तवे पर डाल देना है। तो इस तरह से आपका कबाब की जो शेप है ना वो बहुत अच्छी आने वाली है। सो सारा प्रैक्टिकल भी आपको मैं साथ साथ करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप लोग देखकर भी बना सकते हो।
और थोड़ी देर बाद ना भाई को काम आ गया था, तो मैंने सोचा कि आगे से ना भाई की ड्यूटी मैं कर लेती हूँ पूरी, लेकिन फिर मुझसे हो नहीं रहा था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गर्म था और मुझे ना इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है सब करने का। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से जॉइन, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।